माँ आदिशक्ति की आराधना का विशेष पर्व चैत्र नवरात्र की शुरुआत 22 मार्च से शुरू होने जा रही है। पर्व को मनाए जाने को लेकर जिले के सभी शक्ति स्थलों में तैयारियां पूरी हो गई हैं। हंसदेव नदी के तट पर मौजूद माँ सौरमंगला का मंदिर कोरबा ही नहीं बल्कि प्रदेशवासियों के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र है, जहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मन्नत जरूर पूरी होती है। यही वजह है कि नवरात्र के दौरान यहाँ आस्था का जन सैलाब उमड़ता है। हंसदेव नदी के तट पर मौजूद माँ सौरमंगला का मंदिर काफी पुराना है। माँ सौरमंगला को जिले की पहली आराध्य देवी माना जाता है। वर्ष के दोनों नवरात्र पर्व में माँ सौरमंगला की विशेष पूजा आराधना होती है। इस वर्ष भी चैत्र नवरात्र पर माँ आदिशक्ति की उपासना को लेकर तैयारी जोरों पर है। 22 मार्च से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसे लेकर मंदिर प्रबंधन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। कोरबा में माँ सौरमंगला की पूजा पाठ के साथ ही देवी के मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। माता का यह मंदिर करीब 124 वर्ष पुराना बताया जाता है, जिसे लेकर कोरबा वासियों की आस्था काफी गहरी है। कोरबा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेशवासी मां सौरमंगला को काफी मानते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के समय यहां पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ इकट्ठी होती है। मंदिर परिसर में ही बरगद का विशाल पेड़ मौजूद है, जिसे करीब 500 साल पुराना बताया जा रहा है और इसे मन्नतें पूरी करने वाला पेड़ भी माना जाता है। लोग बताते हैं कि इस पेड़ में रक्षा सूत्र बांधकर जो भी मन्नत मांगी जाए वह अवश्य पूर्ण होती है। शायद यही कारण है कि दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मन्नत लेकर माता के दरबार यहां पहुंचते हैं। चैत्र नवरात्र के मद्देनजर यहां पर हजारों की संख्या में सर्व मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित होते हैं। इस वर्ष भी ज्योत जलवाने को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश के कोने कोने और विदेशों से भी यहाँ पर मनोकामना ज्योत कलश जलवाए जा रहे हैं। चैत्र नवरात्र की शुरुआत होते ही यहाँ पर भक्तों की भीड़ जुटना शुरू हो जाएगी, जिसका दौर अंतिम दिनों तक चलेगा। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए अविनाश प्रसाद की रिपोर्ट।